प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने संबंधी विभिन्न याचिकाएं हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गयी, लेकिन हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने इन याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। शहर में 6 दिनों से कचरा नहीं उठा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवर और हेल्पर वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। ड्राइवरों एवं हेल्परों ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया और 4 महीनों के लंबित वेतन के भुगतान की मांग की। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भोपाल शिफ्ट किए जाने के खिलाफ जारी है। विद्युत कर्मचारी संघ ने 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें आदेश निरस्त करने की मांग की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सेंट फ्रांसिस महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा आगामी 4 जनवरी से घोषित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए किसानों को पूर्व से ही संगठित किया गया, लेकिन कई किसानों के आधार मोबाइल नंबर से लिंक न होने के कारण उन्हें भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान परेशान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। वेटनरी कॉलेज प्रांगण में आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 665 लोग शामिल हुए। 3 दिवसीय अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने हेतु शिक्षा समुदाय को आगे लाने और परिसर की गतिविधियों में खेल को प्राथमिकता पर लाने का प्रस्ताव शामिल है। परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अधिवेशन के संपन्न होने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आगे आने वाली 26 जनवरी को पूरे भारत में विद्यार्थी परिषद इकाई स्तर पर तिरंगा रैली का आयोजन करने जा रहा है। रायताल खेल परिसर में आयोजित जबलपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को जीतकर सिवनी की टीम ने लीग का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किए गए। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया। साल के आखिर में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने जिले के गोसलपुर थाना क्षेत्र में एक किसान के घर जमकर लूटपाट की। हथियारों से लैस बदमाशों ने किसान को बंधक बना लिया और हथियारों की नोक पर उसके घर से 4 लाख रुपए नकदी और 2.5 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में 6वें दिन भी नहीं उठा कचरा। कचरा कलेक्शन वाले वाहनों के ड्राइवर और हेल्पर रहे काम बंद हड़ताल पर। वेतन नहीं मिलने के कारण कर रहे हड़ताल। और किसान को बंधक बना हथियारों की नोक पर लूटपाट, 4 लाख कैश और जेवरात लूट ले गए 3 बदमाश। कोसलपुर में हुई लूट की वारदात से सनसनी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने संबंधी विभिन्न याचिकाएं हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई, लेकिन हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने इन याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। नीट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग को दिए जा रहे 27% आरक्षण के कानून को चुनौती देते हुए आरक्षित वर्ग के 4 छात्रों ने यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने दलील दी कि बीते दिनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि ओबीसी मामलों पर अब अंतिम सुनवाई ही की जाएगी, जबकि कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद वेकेशन बेंच के जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने मामलों को सुनने से इनकार कर दिया। वेकेशन बेंच ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरण जो 27% ओबीसी आरक्षण से संबंधित हैं, उन्हें रेगुलर बेंच द्वारा ही सुना जाएगा और कोई भी अंतरिम राहत फिलहाल नहीं दी जाएगी। हाल ही में जो अंडर ग्रेजुएट नीट काउंसलिंग होने वाली है, उसमें जो याचिकाकर्ता है, उन्होंने चैलेंज किया है कि अंडर ग्रेजुएट नीट काउंसलिंग में ओबीसी को 14% ही आरक्षण दिया जाए, और इन्होंने 19/3/2019 के आर्डर को रिलाय किया है, जो कि पीजी नीट से संबंधित माननीय न्यायालय का आदेश था। तो आज सुनवाई पे समस्त याचिकाएं माननीय
वैकेशन बैच के समक्ष नियत थी और माननीय वैकेशन जज को इस चीज़ से अवगत कराया गया कि 1/9/2021 का माननीय न्यायालय का आदेश है, क्या किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा, 27% की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड की जाएगी। तो उस आदेश से अवगत कराया तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि ये रेगुलर बेंच ही इन समस्त प्रकरणों को सुनेगी, हम कोई भी आदेश इन प्रकरणों में पारित नहीं करेंगे। याचिका क्या कहती थी? शहर में 6 दिनों से कचरा नहीं उठा है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवर और हेल्पर वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। ड्राइवरों एवं हेल्परों ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया और 4 महीनों के लंबित वेतन के भुगतान की मांग की। नगर निगम मुख्यालय में धरने पर बैठे ये लोग नगर निगम के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की ठेकेदार कंपनी एक्सेल के मजदूर हैं, जिन्हें पिछले 4 महीनों से कंपनी ने वेतन नहीं दिया है। भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले काम बंद हड़ताल कर रहे इन सफाई मजदूरों का कहना है कि उनकी तनख्वाह दिलाई जाए, मेहनताना नहीं मिलने से इनके घरों में 2 वक्त भोजन के लाले पड़ रहे हैं। सफाई मजदूरों का कहना है कि पूरी गलती नगर निगम के अधिकारियों की है, जो ऐसी कंपनियों को ठेका देते हैं जो मजदूरों का वेतन तक नहीं दे पाती है। नगर निगम ठेकेदार को पेमेंट नहीं करती है, ठेकेदार दिल्ली में जाकर बैठ जाता है। ये 5,000-6,000 तनख्वाह पाने वाले ठेकेदार के लिए दिल्ली कहाँ से जाएंगे? जिनको 200 रुपये राशन भरने के लिए नहीं है, वो 500 रुपये की टिकट लगाकर क्या दिल्ली जाएंगे? ये निगम प्रशासन की अधिकारियों की गलती है जो ऐसी कंपनियों को ठेका देती हैं जो हम बाहर की होती हैं और जबलपुर में आकर मजदूरों के हितों का इसके साथ खिलवाड़ करती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा वेतन हमको प्राप्त हो, हमको काम पर वापस रखा जाए और ये जो हड़ताल हम लोगों ने की है उस हड़ताल की तनख्वाह भी हमको उन्हीं से मिलना चाहिए। कितने माह का वेतन देंगे? हमारा पूर्ण अभी दिसंबर खत्म होने के बाद 3रा महीना चालू हो जाएगा। कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवरों और हेल्परों की हड़ताल के कारण पूरे शहर से कचरा नहीं उठ रहा है, लोग परेशान हैं। नगर निगम की सफाई व्यवस्था अधिकारियों की लापरवाही के कारण चौपट है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था कब तक पटरी पर लौट पाएगी, कहना मुश्किल है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भोपाल शिफ्ट किए जाने की खिलाफत जारी है। विद्युत कर्मचारी संघ ने 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें आदेश निरस्त करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के रेवेन्यू विभाग को भोपाल शिफ्ट किए जाने के निर्णय के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि राजस्व प्रबंधन विभाग के भोपाल शिफ्टिंग के आदेश को वापस लिया जाए। रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण आपेज जो हमारे शक्ति भवन का है, उसे पूरे प्रदेश का लेखा जोखा पूरी रेवेन्यू की डिटेल रखता रहा, अगर वो आपस शिफ्ट हो गया तो शक्ति भवन में नाम मात्र का शक्ति भवन रह जाएगा, उसकी शक्ति पूर्ण छीन हो जाएगी। इसी का विरोध करने हम सब विद्युत कर्मचारी आज नागरिक उपभोक्ता मंच के इस मंच पे इनका समर्थन देने उपस्थित हुए हैं और इनके माध्यम से हमने डिप्टी कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन दिया है। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि आदेश की वापसी तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, विद्युत मंडल का विखंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सेंट लॉयशस महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा आगामी 4 जनवरी से घोषित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सोमवार को सेंट लॉयशस कॉलेज में प्रदर्शन कर आगामी तिथि में होने वाली छात्रों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मांग को लेकर कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रदेश और जिले में ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू करने जैसे कदम उठाए हैं। इस बीच कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है, जो बढ़ते संक्रमण के खतरे के लिहाज से उचित नहीं है। लोगों ने छात्रों को स्वास्थ्य के देखते हुए आज सेंट लॉयशस कॉलेज में ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है कि जल्दी जल्दी सभी प्रकार की परीक्षाएं रद्द की जाएं
अगर ये हमारी ये मांग 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर में धरने पर बैठेंगे और हम आपके माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को भी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई और पूरे प्रदेश में महाविद्यालय विद्यालय एवं महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में अगर ओपन बुक से परीक्षाएं नहीं कराई गई और जल्दी घोषणा नहीं की गई तो NSOI उग्र आंदोलन करेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। छात्र संगठन का कहना है कि अगर 24 घंटों में परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने बाध्य होगा। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए किसानों को पूर्व से ही संगठित किया गया, लेकिन कई किसानों के आधार मोबाइल नंबर से लिंक न होने के कारण उन्हें भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान परेशान है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ है, लेकिन कई खरीदी केंद्रों में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान आधार और मोबाइल नंबर लिंक ना होने की समस्या से परेशान है, जिसके कारण उन्हें भुगतान के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा कई समितियों में किसानों की पूरी उपज भी नहीं ली जा रही, ऐसे में भी किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी वो बुजुर्ग किसान आए थे, अब वो नंबर लिंक करवाने के लिए उनको समय चाहिए, उनको जानकारी मिले उस बारे में कि भाई कैसे होता है, कहाँ जाना पड़ेगा। अब वो तो अपना मैसेज आ गया तो वो उधर आ गए, जानकारी नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। आए थे कि कैसे लिंक होगा, कब क्या होगा। कहाँ किसान थे वो? यहीं आम महीनों तक के थे। समस्या ये हो रही है कि किसान का उपज 18 से 20 से 22 क्विंटल के प्रति इकड़ आ रहा है और सरकार ले रही, हमारे यहाँ तेवर समिति गोरखपुर में लगती है, उसमें ले रही 16 क्विंटल की समथिंग। अब बाकी का उपज किसान कहाँ लेके जाए, हमको सरकार ये बताए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो आधार कार्ड है, सत्यापन OTP हो रहा है। आधार कार्ड बहुत पहले बना हुआ था, किसी में मोबाइल नंबर ऐड है, किसी में नहीं ऐड है आज के समय में, और OTP उस पर जा रहा है, उसके बाद ही खाता लग सत्यापन हो रहा है, फिर खाता लग रहा है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी के खाते में, किसी के आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल नंबर, किसी के में नहीं है। बस ये इसी चीज़ में गड़बड़ी लग रही है और कुछ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत जा रही है क्योंकि खाता नहीं लग पा रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन को खरीदी में आने वाली तकनीकी खामियों को दूर करना चाहिए ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। वेटनरी कॉलेज प्रांगण में आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 665 लोग शामिल हुए। 3 दिवसीय अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने हेतु शिक्षा समुदाय को आगे लाने और परिसर की गतिविधियों में खेल को प्राथमिकता पर लाने का प्रस्ताव शामिल है। परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अधिवेशन के संपन्न होने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आगे आने वाली 26 जनवरी को पूरे भारत में विद्यार्थी परिषद इकाई स्तर पर तिरंगा रैली का आयोजन करने जा रहा है। वहीं संगठन के विस्तार को लेकर भी अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत 50,000 कॉलेजों और 1,00,000 गांवों तक जाकर संपर्क किया जाएगा। संपर्क माध्यम से परिषद के 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए आगे आने वाले वर्ष में कार्य किया जाएगा। इस अधिवेशन में हमने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने हेतु शिक्षा समुदाय आगे आए। इस नाम से पहला प्रस्ताव, वर्तमान में देश भर में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उन सारी बातों को लेकर के वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य इस हिसाब से दूसरा प्रस्ताव, और तीसरा परिसर की गतिविधियों में खेल बने प्राथमिकता, यानी कि स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में स्टूडेंट कम्युनिटी चुन सके, इस हेतु स्टूडेंट में एक जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रस्ताव क्रमांक 3 विद्यार्थी परिषद ने लिया है। तो ऐसे 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। आगे आने वाली 26 जनवरी को पूरे भारत में विद्यार्थी परिषद इकाई स्तर पर तिरंगा रैली का आयोजन करने वाली है। साथ ही साथ में विद्यार्थी परिषद के संगठन के विस्तार के लिए पूरे देश भर में 1500 विस्तारकों को निकालना, 50,000 कॉलेजेस तक पहुंचना, 1,00,000 गांव तक जाकर के संपर्क करना और विद्यार्थी परिषद की 1 करोड़ सदस्यता करना, ये विद्यार्थी परिषद के लक्ष्य हैं, जिनकी घोषणा इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से की गई है। रानीताल खेल परिसर में आयोजित जबलपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को जीतकर सिवनी की टीम ने लीग का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किए गए। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया।
रानीताल खेल परिसर में आयोजित की गई जबलपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जबलपुर और सिवनी की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें सिवनी की टीम ने विजय हासिल कर लीग का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच के पश्चात अतिथियों ने विजेता टीम को मैचों के दौरान खेल का शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए और उनका उत्साह बढ़ाया। सिवनी की टीम जीती है और वो बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। आने वाला समय जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश का ऐसा हो कि यहाँ से लोग निकलें, आईपीएल खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें, भारत देश की ओर से प्रतिनिधित्व करें, ऐसी मेरी आशा है। और जेपीएल टूर्नामेंट कराने के लिए निशित भाई पटेल एवं बाकी सारी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर प्रीमियर लीग का आज चौथा वर्ष का समापन हुआ है और लीग मैचेस थे जिसमें सिवनी की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करके जीता। जबलपुर की ओर से हिमालयन अकेडमी फाइनल में पहुंची थी। इन टूर्नामेंटों से प्रयास रहता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिसेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा खेल में भाग ले सके। जो प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता है उनको मौका मिले एक अच्छे स्तर पे क्रिकेट खेलने का। बीते चार वर्षों से लगातार जबलपुर प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद क्रिकेट खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। साल के आखिर में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने जिले के गोसलपुर थाना क्षेत्र में एक किसान के घर जमकर लूटपाट की। हथियारों से लैस बदमाशों ने किसान को बंधक बना लिया और हथियारों की नोक पर उसके घर से 4 लाख रुपए नकदी और 2.5 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गोसलपुर थाना से करीब 2.5 किलोमीटर दूर खिन्नी रोड पर लगभग 50 एकड़ के प्लाट में मकान बनाकर रह रहे एक किसान दिलीप कुमार पटेल के घर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों की दम पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाठी और बंदूकों की नोक पर बदमाशों ने किसान को बंधक बना लिया और उसके बाद घर में सो रहे किसान के परिवार को धमका कर घर में रखे 4 लाख रुपए कैश और करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। लुटेरों के फरार होने के बाद किसान ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी जानकारी लगते ही घटना स्थल पर पहुंच गए। 3 आदमी थे सर, कुछ सोना रहा है, 4 लाख रुपया नगद कैश रहा जी सर। आप घर में नहीं थे क्या? नहीं, घर में था सर। तो क्या आप? मैं यहाँ पड़ा था। हाँ, उधर। हाँ, और 3 लोग आए। हाँ, जैसे कुत्ता भौंकते थे। हाँ, वहाँ से भौंके फिर कुत्ता भागने लगे कि यहाँ को एक वहाँ को। हाँ, उसी वक्त में उठा। हाँ, यहाँ तक आया, यहाँ मेरे को पकड़ लिए। हाँ, हाथ मुरेर दिए और मारने लगे। हाँ, और बोले कि जो कुछ तुम्हारे पास है पैसा दाम जेवर एक बार। हाँ, सब इज्जतदारी से दे दो निकाल। फिर क्या कुछ हथियार वगैरह लिए थे? और फिर इसके बाद मैं अपनी वहाँ ले गए पकड़ के। हाँ, फिर मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया, पत्नी बाहर आई। हाँ, मैंने बोल दिया भैया जो कुछ दे दो भैया। हाँ, वो लोग खोले ताला आला, वो पेटी में रखा था सामान। हाँ, ले गए। सोना चांदी कितना था आपके? वही 4.5 तोला सोना रहा है। हाँ, 4 लाख रुपये नकद रहा है। हाँ, और 2 जोड़ी पायल थी, वही 13-14 तोला की करीब लगभग। घटना हुई सर, वहाँ सोते थे, वहाँ से उनको पकड़ के यहाँ ले आए। वो हमको आवाज़ मारे कि उठो तुम सुरेश की भाई, तो मैं उठा हूँ। फैन उठे के बाद वो फैन भी मेरे से चाबी आभी मांगते हैं। वो कहें दे दो, जहाँ रखियो तो वहाँ टंगी थी तो हमने दे दिए। कहे जो आपके पास हो तो दे, नहीं आपके पति को मतलब मार देंगे। हाँ, तो इसी डर के मारे हम सरदा दिए हैं। क्या क्या दिए आपने? चाबी दिए हैं, बेतारा खोल लिए हैं। हाँ, और उसमें दोहार रहे। हाँ, 2 जोड़ा पायल की रहे। हाँ, और 2 माला रहे, लाक पट्टी रहे। अच्छा। हाँ, नगद में कितना लिए? नगद में रहे सर वही 4-4.5 तो जरूर आए होंगे सर, 4 रहे। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे सर, हमको 3 ही मिले हैं देखने को। कुछ हथियार वगैरह लगे थे? हथियार वो हमारे पति के यहाँ। हाँ, लगाए थे बंदूक लगा। क्या लगा? हाँ, बंदूक लगाए थे। धान
मूंग का पैसा था जो कि लुटेरे लूट के 4-4.5 लाख के समथिंग था जो कि लूट के ले गए। देखने के लिए गए लेकिन देखे नहीं, मौके वारदात पे हमको नहीं मिले वो। कितने बजे की घटना है ये पूरी? 2 बजे की घटना है ये, और डायल 100 2:24 में किया था मैं। और क्या क्या ले गए आपके घर में? सोना चांदी जो भी था, मेरी पत्नी का था, मेरी छोटे भाई की मैसेज का था, सब मम्मी के पास इकट्ठा रखा रहता है क्योंकि मायके जाती हैं तो आने के बाद साज उतार के दे देती हैं, रोज की पहनती नहीं, यूज नहीं करती हैं। कुछ हथियार वगैरह लेकर आए थे? हथियार लेके आए थे पापा, मैं तो देखा नहीं, पापा बता रहे थे कि बंदूक वगैरह थी, अब क्या था ये तो मैं नहीं बता सकता। कितने लोग थे? 3 आदमी थे वो पापा को जो पकड़े हुए थे, और आजू बाजू रहे हो तो मैं नहीं बता सकता। किसी के ऊपर शक है? शक तो है लेकिन जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बताऊंगा ये जब तक चेहरा नहीं देख ले रहा हूँ। जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी घटना स्थल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित किसान और उसके परिवार से घटना की जानकारी हासिल की और पुलिस अधिकारियों को बदमाशों का पता लगाने के निर्देश दिए। ये गोसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह प्रातः 2 बजे के करीब ये पटेल परिवार है, उसमें उनके जो फरियादी हैं दिलीप पटेल, इन्होंने प्रतिवेदित किया कि 3 नकाबपोश आए और इनसे एक लूट की घटना कारित करके जिसमें घर में रखे कुछ नगद 4 लाख करीब और जेवरात करीबन 1 लाख करीब, टोटल 5 लाख माल मशरू का ले गए हैं। इसमें जैसा आप देख रहे हैं DSP क्राइम, SDOP सीओ है, एडिशनल SP सभी क्राइम और स्थानीय पुलिस की टीमें लगी हैं पता रसी में। हमें आशा है जल्दी से इसको कुछ। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, पुलिस बदमाशों का सुराग हासिल करने में जुट गई है। हाईवे से सटा यह इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन पिछले करीब 2.5 माह से थाने में TI की पोस्टिंग नहीं की गई है। थाने की कमान सब इंस्पेक्टर के हाथों में है। साल के आखिर में हुई इस वारदात ने पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।